प्लस टू क्लास बेटा, आज हम 3C एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया है 3-4, 1-1, एंड देन ए की पावर एन इज इक्वल टू 1+2n-4n, n 1-2n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन. ये हम इसको सॉल्व करेंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्लस वन में आपने चैप्टर नहीं किया हुआ, मैं उसको फिर से समझाने लगी हूँ. ए एन हमारे पास गिवन है, ये लिख देंगे 1+2n, n -4n, 1-2n. अब हमें मैथमेटिकल में होता क्या है, हम पहले सबसे पहले पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1. एन को 1 पुट करेंगे, a की पावर 1 इज इक्वल टू 1+2. 1+2 हमारे पास क्या आएगा, 3-4, 1, और 1-2, -1. देखो ये उसी के इक्वल आ गया जो हमारे पास a था, 3-4, 1-1, ये इक्वल आ गया. तो देयरफॉर लिखेंगे हम रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. जब हम रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर देते हैं, देन हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लेट करते हैं रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए. आप कोई भी ले सकते हो एलिमेंट वहां पे, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. आपने क्या करना, जो गिवन था an उसमें n की जगह पे हमने k कर देना है. a की पावर k इज इक्वल टू 1+2k-4k, k 1-2k. ये a के हमारे पास आ गया. मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप होते हैं. सबसे पहले होता है n को 1 पुट करके हम रिजल्ट ट्रू करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए. देन सेकेंड हम लेट करते हैं कि रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए. एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो हमें प्रूव करना होता है कि रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k+1 के लिए. तो k+1 के लिए करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n को k+1 कर रही हूँ मैं, तो पुट n इज इक्वल टू k+1 लेफ्ट हैंड साइड में कर रही हूँ. तो यहाँ करेंगे तो ये आएगा a k+1 इज इक्वल टू, अब इसको मुझे ब्रेक करना है ए के इंटू ए, क्योंकि देखो बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, उसी तरह से मैं इनको अलग अलग करूंगी. जब हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो ए की पावर के प्लस वन आ गया. राइट साइड में जब करेंगे वो आप रफ में साइड पे करके देख लो, यहाँ पे रफ में राइट साइड के लिए. लेफ्ट हैंड साइड पहले आपके पास तो आ जाएगी ए के प्लस वन, और राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पे रफ में करेंगे, साथ में कर लेना 1+2 n की जगह पर हम k+1 कर देंगे, और इधर भी -4 k+1, फिर यहाँ k+1, 1-2 k+1, ये हम वहां पर उसको कर देंगे. अब इसको सॉल्व करके देखो तो 1+2k+2, 1+2 is 3, 3+2k आएगा, ये -4k-4, और इधर k+1 ही रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा. आगे 1-2k-2, 1-2 is -1, -2k, मतलब कि आपके पास राइट हैंड साइड सॉल्व करके ये आनी चाहिए. अब मैं यहाँ पर ए के की वैल्यू पुट कर रही हूँ. ए के हमने अभी भी ऊपर लिखा है 1+2k, k -4k, 1-2k इंटू ए. ए हमारे पास कितना है, अभी हमने जो ऊपर लिखा था 3, 1, -4, -1, ये हमें गिवन है. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड ये सेम आनी चाहिए. जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो करिए इसको पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे. ये 3 से किया मल्टीप्लाई, 3+6k, -4 को k को 1 से किया -4k. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 से करोगे, -4 -8k, -4k. अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 3k+1-2k को 1 से किया 1-2k. सेकंड रो सेकंड कॉलम -4k, -1 से करोगे -1+2k. अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करना है, ये आ रहा है 3+6k-4k आ गया 2k, -4 -8k+4k is -4k, 3k-2k k+1. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, -1 पहले लिख लेती हूँ, -4k+2k -2k. देखो ये जो हमारा राइट साइड हमने रफ में की थी सेम आई है बिल्कुल. तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन. बट हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि रिजल्ट जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए. बट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, जो जहां भी हमें जो भी क्वेश्चन में बोला है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए वो होगा.